हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सोनल और स्वागत है आपका मेरे चैनल मूडी फूडीज़ में। आज हम बना रहे हैं मसालेदार भिंडी दो प्याज़ा। भिंडी की ये सब्ज़ी बहुत स्वादिष्ट बनती है, आप इसको पराठे, पूड़ी या रोटी किसी के भी साथ एंजॉय कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इसकी क्विक रेसिपी। मैंने यहाँ लगभग 300 ग्राम भिंडी ली है और इसको मैंने धो कर के पोंछ लिया है और लगभग 1 से 1.5 इंच के टुकड़ों में कट कर लिया। हमने सारी भिंडी को ऐसे ही कट कर लेना है। मैं अब ले रही हूँ 2 टीस्पून कॉर्नफ्लोर और इसको हम अच्छे से कोट करने के लिए हाथों से ऐसे उछाल करके टॉस करेंगे, जिससे कि कॉर्नफ्लोर की कोटिंग भिंडी के हर पीसेस पे हो जाएगी। और इसको थोड़ी देर के लिए एक साइड हटा देते हैं। इस साइज के 2 बड़े प्याज लिए हैं मैंने और इनको 2 तरीके से काटा है, कुछ बड़े पीसेस में और कुछ छोटे पीसेस में। और इसके अलावा मैंने लिया हरी मिर्च, अदरक और टमाटर। अब मैंने गैस पे कढ़ाई चढ़ा ली है और इस पे तेल डाल करके इसको तेज आंच पर मैं गरम कर रही हूँ। और गरम होने के बाद में मैं इसमें ये भिंडी के पीसेस जिस पे हमने कॉर्नफ्लोर की कोटिंग की थी उसकी हाफ पार्ट में इसमें डाल के अच्छे से फ्राई कर ले रही हूँ। फ्राई हम लगातार चलाते हुए कर रहे हैं, जिससे भिंडी का कलर डार्क भी नहीं हो और जलने भी नहीं पाए। बस इसका जैसे ही क्रिस्प होती है इसको हम ऑयल से निकाल लेंगे और बाकी बची भिंडियों को भी अगले शिफ्ट में इसी तरीके से हम फ्राई कर लेंगे। और इसको भी हम तेज ही आंच पर फ्राई करेंगे और इसको भी हम बाहर निकाल लेंगे। अब इसी कढ़ाई में हम बचे हुए तेल में डालेंगे 1 चम्मच जीरा और 1/2 चम्मच सौंफ। और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ प्याज और इसको भी हम चमचे से बहुत अच्छे से चलाएंगे। हमें प्याज को बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बस इसको हल्का पिंक होने तक या ट्रांसपेरेंट होने तक ही भूनना है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी बारीक कटी हुई हरी मिर्च और बारीक घिसा हुआ अदरक। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून बेसन और इसको भी हम ऑयल में बहुत अच्छी तरीके से भून लेंगे, जिससे कि बेसन का कच्चापन निकल जाए। लगभग 2 से 3 मिनट में बेसन हमारा बहुत अच्छे से भुन चुका है। और अब इसमें मैं ऐड करूँगी कुछ मसाले, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा हल्दी पाउडर। और इसको भी मैं अच्छे से फ्राई करूँगी। और इसके बाद मैं अब इसमें ऐड कर रही हूँ कटे हुए टमाटर। और टमाटर डालते ही हम थोड़ा सा इसमें सॉल्ट डाल देंगे, जिससे कि टमाटर बहुत जल्दी गल जाएंगे। नमक अभी हमने पूरा नहीं डाला है, हम सबसे एंड में डालेंगे नमक, ये सिर्फ हमने टमाटर को गलाने के लिए डाला है। और अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ जीरा पाउडर और किचन किंग मसाला। इस मसाले को भी हम अच्छे से भून लेंगे और अब इसमें हम मिला देंगे अब हमने जो फ्राई करके भिंडी रखी थी। तो हम इसको एक ही बार में सारी भिंडियों को मिक्स कर देंगे और मसाले को पलटे की सहायता से अच्छे से ऊपर नीचे कोट करेंगे, जिससे कि मसाला हर तरफ भिंडी को कोट कर ले। तो बस हमारी भिंडी क्योंकि 80% पहले ही तैयार थी, तो ये बहुत जल्दी ही 1 से 2 मिनट बस हमें और फ्राई करना है। और इसमें अब मैं डालूँगी बड़े बड़े जो हमने प्याज काट के रखे थे, वो मैं इसमें ऊपर से ऐड करूँगी। इससे बहुत ही क्रंची टेस्ट आता है और बहुत टेस्टी लगती है ये सब्ज़ी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब तो बनता है। फ्रेंड्स, आप भी ये मसालेदार भिंडी दो प्याज़ा ज़रूर ट्राई करें और मुझे अपने अनुभव ज़रूर बताएं। ये भिंडी की सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है और इसकी बहुत डिमांड है। मैं तो इसको अक्सर बनाती हूँ और मेरे घर पे सभी लोगों को ये बहुत पसंद आती है, बच्चे हों या बड़े। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। बाय बाय।